पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। यह घटना शुक्रवार रात लगभग 9:30 बजे की है। यहाँ दो युवक लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे, उसी दौरान एक युवक ने इसका विरोध किया। विरोध करने पर युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे उसकी जान चली गई। दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक किशन कुमार नाम के शख्स ने कॉल सूचना करने पर दी थी कि सलमान और अरबाज नाम के दो भाई एक लड़की से छेड़छाड़ कर रहे हैं। जब किशन नाम के एक युवक ने इसका विरोध किया तो दोनों आरोपी धमकी देने लगे। इसके बाद करीब 30 मिनट बाद पता चला कि सलमान और अरबाज किशन के भतीजे मनीष से विवाद कर रहे हैं। किशन कुमार केबल ऑपरेटर है। जब किशन मौके पर पहुंचा तो देखा कि अरबाज मनीष को पकड़कर खड़ा था और सलमान ने चाकू से मनीष की गर्दन पर वार किया, इससे मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना नंद नगरी के एच ब्लॉक पार्क गली नंबर 1 सुंदर नगरी की है। मनीष खून से लथपथ हो गया, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी जान नहीं बचाई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले में सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को सलमान और अरबाज को गिरफ्तार कर लिया। सलमान चाय की दुकान चलाता है जबकि अरबाज मजदूर है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुए चाकू को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।